हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली अपकमिंग बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन, जो कि आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस 2024 में रिलीज होने वाली है। और भाई साहब का सिंघम अगेन मूवी ट्विटर के ऊपर नंबर वन ट्रेंड कर रही थी। हालांकि कल ना कोई पोस्टर आया है ना कोई इस मूवी से ग्लिम्स आया, लेकिन ये मूवी ट्विटर के ऊपर नंबर वन ट्रेंड कर रही थी, वो भी अपने रिलीज से 8 महीने पहले, जो कि भाई साहब बड़ी बात थी। लेकिन इस मूवी की जो सबसे बड़ी रीजन थी ट्रेंड करने की, वो ये थी क्योंकि कल रणबीर कपूर और रोहित शेट्टी की एक लुक वायरल हुई है, जहां पर रणबीर कपूर कॉप के यूनिफॉर्म में थे और सभी यही सोचे थे कि अब रणबीर कपूर का भी जो कैमियो रोल है वो हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रणबीर कपूर के साथ हमें रोहित शेट्टी देखने को मिले। तो भाई साहब पब्लिक के अंदर ये जो अपडेट थी आग की तरह फैल गई और भाई साहब उसके बाद सिंघम अगेन मूवी को लेकर कुछ फैंस हेट कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे फैंस एक्साइटेड थे कि रणबीर कपूर का भी अब कैमियो रोल होने वाला है। तो दोस्तों, क्या ऐसा सच में होने वाला है या फिर नहीं, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूं, कल जब मैंने ये फोटो देखा ना, तो भाई साहब मैं तो एकदम हिल गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रोहित शेट्टी आखिर ये क्या खिचड़ी पकाना चाहते हैं सिंघम अगेन मूवी के अंदर, क्योंकि पहले से इस मूवी के अंदर भाई साहब ऑलरेडी 4 कैमियोज जो कि कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पाडुकोण मैम, यानी कि इन चारों का कैमियो रोल तो 110% कंफर्म है, क्योंकि हमने सभी की लुक्स देखी है। लेकिन अब रणबीर कपूर की भी लुक हमें देखने को मिली है, तो भाई साहब अब 5 कैमियो रोल्स हो जाएंगे, और अगर 5ों कैमियोज को 10-10 मिनट का भी टाइम दिया जाए मूवी के अंदर, तो भाई साहब 50 मिनट तो ये ले जाएंगे, और बाकी जो स्टार कास्ट होगी अजय देवगन सर होंगे, भाई साहब इनका क्या होगा। तो दोस्तों, वहां पर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था इस मूवी के ऊपर, लेकिन बाद में मैंने जब सर्च किया तो भाई साहब मुझे पता चला कि रणबीर कपूर का कैमियो नहीं होने वाला है सिंघम अगेन मूवी के अंदर, बल्कि ये एक एड की शूटिंग थी जहां पर रोहित शेट्टी सर भी मौजूद थे, जहां पर इस फोटो को क्लिक किया गया। और भाई साहब उसके बाद जब इस फोटो को अपलोड किया गया तो फैंस के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई, और फैंस यही सोचे थे कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर अब रणबीर कपूर का भी कैमियो रोल होने वाला था। लेकिन रणबीर कपूर सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैमियो रोल प्ले नहीं करने वाले, यस गाइस, यानी कि ये एक एड की शूटिंग थी, और भाई साहब वहां से पिक्चर लीक्ड आउट हुई, जिसके बाद ये पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गई, और सभी यही कह रहे थे कि अब रणबीर कपूर भी हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर नजर आएंगे एक्शन करते हुए कॉप के यूनिफॉर्म में। और भाई साहब बहुत सारे फैंस एक्साइटेड भी थे, लेकिन बहुत सारे लोग ट्विटर पर हेट भी कर रहे थे। लेकिन अब आप सभी को बता दूं कि ये जो सिंघम अगेन मूवी के अंदर रणबीर कपूर का कैमियो है, ये नहीं होने वाला, बल्कि ये एक एड की शूटिंग थी जहां से ये पिक्चर लीक्ड आउट हुई, और उसके बाद ये पिक्चर भाई साहब वायरल होगी। तो दोस्तों, यहां पर अब सिंघम अगेन मूवी के अंदर जो 4 कैमियो रोल्स होने वाले हैं वो ऑलरेडी डन है, उनकी हम सब ने लुक भी देख लिया है, और फाइनली रणबीर कपूर का जो कैमियो रोल है वो सिंघम अगेन मूवी के अंदर नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है सिंघम अगेन मूवी के लिए, और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट जरूर बताइएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।